कहाँ रहते हैं? मेरे साथ मैं रहती हूँ धनाला बाजार हेडा गली रहती हूँ। उसके बाद में मेरा आदमी ने उस दिन परसों रात को मारपीट करा, मैंने फिर फोन पे तलाक भी दे दिया था, एक दो तीन करके तलाक दे दिया, तीन तलाक देने के बाद में मैंने आई यहाँ मुकदमा दर्ज कराने, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं करा। फिर मैंने को पुलिस वाला कराना, उसने मेरे को बोला कि यहाँ कोई दरकार नहीं आने की, नौटंकी करती है, यहाँ से चली जा। कौन कौन पुलिस वाला है, नाम? काना राम है। फिर क्या हुआ आपके आगे के रहने वाली हैं, कहाँ गई थी आप? मैं ये रहने वाली हूँ बिहार की, ससुराल है बंगाल नियामतपुर। यहाँ किस वजह से रहती है? यहाँ फिलहाल मैं अकेले, भाई है मेरा, उसको वो है, मैं रहती, बच्चे तीन बच्चे मेरे, पति वो दूसरी औरत कर रखा है, उसके साथ रह रहे। मेरी शादी हो गई 13 साल हो गई, बच्चे भी, तीन बच्चे मेरे। अभी आपके पति कहाँ पर? अभी अंदर कोर्ट में रहता उस औरत के साथ, दूसरी औरत जी। क्या वजह रही आपको? वजह यही है जो मेरे वही भाइयों के साथ बलात्कार करवाया, कराने के बाद में दर बदर ठोकर मारा, जो कमा इस पैसे में विश्यावर्ती में ज़्यादा पैसे, मैंने बोली मैं नहीं करूँगी खुदा के वास्ते ऐसा हरकत। उसने कहा नहीं इसमें ज़्यादा है, नहीं करेगी तो मैं सजादी से शादी कर लूँगा, वो करने को राजी, खिलाने को मेरे को। मैंने बोली कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर अपने भाइयों से बलात्कार करवाने के बाद फिर मुकदमा दर्ज हुई, फिर उसके बाद वो जेल दोनों गए, फिर उसके बाद में फिर उस दिन परसों मेरे साथ ऐसा ऐसा कहानी करती है। उसके भाई कौन है, उनके भाई है असगर है, गन्नी है। अभी तो फिलहाल जेल के अंदर था वो, करीबन 1-1.5 महीना हुआ छूटे हुए, अभी बंगाल चले गए वो। नियामत पहले यहीं रहते थे, नाला बाजार में ही रहते थे। ये हुई थी खजाना गली, अंदर जाके राबड़ी वाला है ना गली, उस जगह हाजी साहब के मकान में जी। ये हुआ था कोतवाली थाना। अभी आज क्या करना है आपने? आज मैंने वहाँ परसों यहाँ से मेरे को भगा दिया था, जो यहाँ से जाओ नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे। फिर मैंने गई वहाँ कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से फिर यहाँ फ़ोन करे जो वहाँ जाओ वहाँ तुम्हारा होगा, मैं फ़ोन करके कर दूँगा तो हो जाएगा। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ काम करवाने, ये मुकदमा दर्ज करवाने आई हूँ। तीन तलाक जी, पति ने तीन तलाक बोल दिया है, फ़ोन पे बोला है। आज दर्ज कराना जी। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट और तीन तलाक की रिपोर्ट दी है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान से जैसी भी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और बेसिकली तो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, लेकिन अभी यहाँ दरगाह क्षेत्र में रहना बताया है, जिसके संबंध में भी जांच की जाएगी। सर पति कहाँ पति अभी तो अजमेर में रहना बता रही है, बाकी मूल रूप से वेस्ट बंगाल का बता रहे हैं।